नजर न्यूज सच की किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी, और आइए करते हैं खबर की शुरुआत। सबसे बड़े रक्षक और प्रजातंत्र की हर भावना को समझने वाले पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस कार्यालय में। मुरैना का प्रथम आगमन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, उप नेता हमारे हेमंत कटारे जी, हमारे जिला कांग्रेस के और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे विधायकगण, हमारी महापौर, हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी, आप सबका स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध ये करता हूं कि हम कल मुरैना देर रात पहुंचे, पर जो उत्साह था, जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, वो फिर एक बार ये एहसास कराती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो आम जनता को गले नहीं उतरी। पर राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनता ने जनादेश दिया वो सर माथे। बहुत खुशी हुई इतना उत्साह देखकर। हमने लोकसभा की तैयारियों के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल जी जो मुरैना लेकर आ रहे हैं 6700 किलोमीटर के उस संबंध में कई कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। आप लोग भी कई परिवार के साथी वहां उपस्थित थे। पूरे घटनाक्रम के बाद एक हमारे जाटो भाई के यहाँ जब हम भोजन करने गए, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के यहाँ, तो जो भारत की मूल संस्कृति है, विरासत है, जो प्रेम प्यार मोहब्बत और एक सच्चा भारत क्या होता है वो देखने का अवसर मिला। मुरैना जाना जाता है बहादुरी के लिए, ईमानदारी के लिए, अपनी जवान की कीमत के लिए और नई क्रांति के लिए, देश की सेवा के लिए। वो एहसास वहां भी हुआ। फिर उस वहीं जाटव परिवार में हमें पूरी रात्रि विश्राम का भी अवसर मिला। ये भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। पर सवाल, जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो फैसला किया वो हमें सर माथे पे, कांग्रेस पार्टी को दायित्व मिला है वो विपक्ष की भूमिका निभाने। हमें सिर्फ एक मूल मंत्र कांग्रेस पार्टी ने आत्मसात कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बताया कि हमारी गीता और रामायण है, उसके अक्षर सह पालन कराने की जिम्मेवारी उसका नहीं करने पर, जनता को साथ लेकर सड़क पे आने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की। मैं मानता हूं इस सरकार ने पहला एक महीना गया उस रामायण और गीता का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। आपको लाडली बहना को 3000 रूपये देना था कल 10 तारीख के ही, आपने 1250 रूपये दिए। ये धोखा है, ये अन्याय है, ये संस्थागत व्यवस्थागत सरकारी झूठ है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम मांग करते हैं 3000 रूपये बहनों को मिलना चाहिए। पिछले मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बहन के मन में ये दिल में जगह बनाई कि मुझे आप वोट दो, मेरी पार्टी को दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 3000 रूपये आपके खाते में डालूंगा, ये धोखा नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूं जो किसानों को 3100 रूपये की बात हो, धान की, जो गेहूं की 2700 रूपये की मांग है, जो 450 रूपये का गैस सिलेंडर है, 2 लाख नौकरियां है, हर घर रोजगार है, ऐसी तमाम घोषणाएं जो उस वचन पत्र में है, सरकार इसमें एक भी 1.25 महीने में पालन नहीं किया है। हम फिर से आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करते हैं, आप वचनों का पालन करो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने एक नया विचार दिया है, कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है नेतृत्व करने का। मतलब कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला है ना, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा है। हम अपनी अच्छी विपक्ष की भूमिका, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी कैसे जीते उसकी मूल रणनीति और जो भारत न्याय यात्रा है उसकी तैयारियां सब मुरैना में भी कर रहे हैं। मैं आप सभी को भी आमंत्रित करता हूं
उस न्याय यात्रा में जो 20 फरवरी के बाद कब भी मुरैना से इंटर हमारे ग्वालियर चंबल की इस चंबल की माटी में करेगी। और साथ ही साथ मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ उपस्थित है, वो भी अपना वक्तव्य देंगे, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए लेजर न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है लेजर न्यूज, सच की किरण।